एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए मित्रों, देवोत्थान एकादशी जिसे कि हम प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं, यहाँ से भगवान श्री हरि निद्रा से जागते हैं और फिर से संसार के सारे दायित्व संभालते हैं। तो अब सीधे ग्रंथ के माध्यम से देखिए, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य जानेंगे हम सीधे ग्रंथ के माध्यम से। तो देखिए, युधिष्ठिर ने पूछा कि श्री कृष्ण महाराज, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म सुना मानद, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण महाराज बोले कि हे राजन युधिष्ठिर, कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्ण लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। नारद जी ने कहा कि पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा बतलाइए। ब्रह्मा जी बोले कि मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी का महात्मा पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्मा की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधिनी एकादशी यानी देवोत्थान एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ तथा 100 राज सूर्य यज्ञ का फल पा लेता है। बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है तथा जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरि बोधिनी एकादशी ऐश्वर्य संपत्ति उत्तम बुद्धि राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरु पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सबको ये पापनाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की डेरी के समान भस्म कर डालता है। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते तथा जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। ब्राह्मण अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है, ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है, वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरि बोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी को उपासना करता है, वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेटा, प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान दान जप और होम करता है, वह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं, वे 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद महाराज मनुष्यों के बचपन जवानी और बुढ़ापों में किए हुए 100 जन्मों के पापों को, चाहे वे अधिक हों या कम, धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। बेटा नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराय अन्न का त्याग करता है, वह चंद्रायण व्रत का फल पाता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, वैसा उन्हें यज्ञ दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं, उन्हें 100 गौदान का फल मिलता है। महामुने कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए।
मुनिश्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 दीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनिश्रेष्ठ जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा कर लेते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। नारद जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नृत्य बाघ और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से अशंक पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब फलों के दान देने से जो फल प्राप्त होता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवऋषि अघ्य के पश्चात भोजन आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। मुनि श्रेष्ठ कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत यानी एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवऋषि जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने जो प्रतिदिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन स्तवन अर्पण सेचन नित्य पूजन तथा नमस्कार के द्वारा तुलसी में नव प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। नारद सब प्रकार के फूलों और फलों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देखकर प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए हमने सीधे पवित्र पुस्तक के माध्यम से एकादशी व्रत का महात्मा जाना जो कि हमें कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी का महात्मा है। मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना। एक बार प्रेम से बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय।